हंसती खिलखिलाती ऐश्वर्या के चेहरे का रंग एकाएक फीका पड़ गया। कुछ देर पहले तक ऐश्वर्या के साथ हंसते मुस्कुराते अमिताभ बच्चन का चेहरा भी एकदम से गंभीर हो गया। जब सामने आए विवेक ओबेरॉय, अपने गुजरे हुए अतीत को सामने पाकर बच्चन परिवार की बहू खुद पर काबू नहीं रख सकी और वो कर बैठी जो आज तक उन्होंने कभी किसी के लिए नहीं किया। विवेक के लिए ऐश्वर्या के दिल में कितनी नफरत है ये बात तस्वीरों ने साफ कर दी। इनका नाम है विवेक ओबेरॉय। अब इसे विवेक के लिए नफरत कहें या फिर रंग में भंग डालने की झुंझलाहट, हर बात नाप तोल कर बोलने वाला बच्चन परिवार अपने चेहरे को अपने दिल का आईना बनने से नहीं रोक सका। विवेक ओबेरॉय मंच पर जितनी देर रहे अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के चेहरे पर हंसी गायब रही। मंच के ठीक सामने बैठी ऐश्वर्या तो सामने देखने को तैयार ही नहीं थी। विवेक से नजर बचाने के लिए ऐश्वर्या ने हर कोशिश की, कभी वो विवेक से मुंह फेर कर बैठ गई लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। ऐश आखिर कब तक इधर उधर देखती रहती, सो ऐश्वर्या ने अपने पड़ोस में बैठे मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से बातें शुरू कर दी ताकि विवेक और उनकी नजरें ना मिल सके। इस दौरान विवेक मंच पर बोलते रहे और ऐश्वर्या उन्हें नजरअंदाज करने की भरकस कोशिश करती रही। हालांकि अमिताभ बच्चन ने जरूर बीच बीच में विवेक के लिए तालियां बजाई लेकिन उनका चेहरा भी बता रहा था कि उन पर क्या बीत रही है। लेकिन ऐश्वर्या अमिताभ से एक कदम आगे चली गई और उन्होंने अपने दिल की बात को बिना बोले ही जाहिर कर दिया। हालांकि इस दौरान विवेक हंसते मुस्कुराते अपनी बातें कहते रहे। अगला एक्ट आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। कुछ लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है, जितना भी बड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाए छोटा पड़ता है। आने वाले शख्स कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन ऐश्वर्या ने जता दिया कि वो विवेक को न सिर्फ भूल चुकी हैं, बल्कि विवेक के लिए उनके दिल में अगर कोई चीज है तो वो है सिर्फ नफरत। यहाँ तक तो ठीक था लेकिन किस्मत एक बार फिर विवेक को ऐश्वर्या के करीब ले आई। अपनी बात खत्म करने के बाद विवेक ओबेरॉय मंच से उतर गए और सीधे जा बैठे ऐश्वर्या की सीट के करीब, इतना करीब कि ऐश्वर्या और विवेक की सीट के बीच का फासला कुछ फुट का रह गया। ऐश्वर्या और विवेक पिछले कुछ सालों में इतने करीब शायद ही कभी आए होंगे, लेकिन करीब रहकर भी दोनों के बीच मीलों का फासला साफ नजर आया, जिसकी झलक खुद ऐश्वर्या राय बच्चन ने महफिल में दिल जले को देखने के बाद दिखाई।